दोस्तों अगर आपको घने और स्मूद मेरी तरह अच्छे बाल चाहिए, दोस्तों ये नुस्खे को मैंने भी महीने भर ट्राई किया है। यार इतने आप पैसे खर्च कर रहे हो यार, 20 रुपये तक नहीं खर्च कर सकते यार, 20 रुपये तो आम बात है जो कि बंदे के पास होते ही होते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आप देख रहे हैं सिद्धू गौतम चैनल। तो दोस्तों ये एक नई वीडियो के साथ हम आ चुके हैं। तो यार ये वीडियो अलग होने वाली है सबसे ज़्यादा, जो कि बाल बड़े करने का नुस्खा बताने वाले इस वीडियो में। गाइस सबसे पहले आपको लेना है एक एलोवेरा जेल, एंड मतलब आपको जितना बनाना है उसके अकॉर्डिंग। जैसे मान लो आप पाइया बना रहे हो, ओके, पाइया बनाने के लिए दो, सिर्फ ओनली दो, फिर 10 वाले कोकोनट ऑयल एंड एक एलोवेरा जेल, बस इतने तीनों चीज़ लेके, और जो प्याज है उसको हमने मिक्सी में ग्राइंडर करके कुछ इस टाइप का कर लेना है। कुछ गाइस इस टाइप का करके पूरा रस निकाल के पूरा अलग में भगोने में डाल देना है, एंड उसको वो जो निकल जाता है उसका सारा कूड़ा फेंक देना है। गाइस गैस माचिस से गैस जला के इसके ऊपर हमें रख देना है, वो प्याज का रस हमें रख देना है गैस पे। इसको धीमी आंच पे 5 मिनट पकने दो। उसके बाद जो एलोवेरा जेल है उसको भी हम काट के डालेंगे, वो आप वीडियो में देख लेना, वीडियो स्किप मत करना। दोस्तों एलोवेरा काट को हमको ऐसा कर देना है छोटा छोटा टुकड़ा में। दोस्तों जो प्याज तेज आंच पे गैस में उबल रहा है उसमें एलोवेरा जो हमने छोटे छोटे टुकड़े में काटा था वो थोड़ा थोड़ा करके हमें उसमें डालना है और मिलाते जाना है, जब तक कि ये लाल होके प्याज का रस थोड़ा ना बचे तब तक हमें ये थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो दोस्तों देखते रहो वीडियो। रेडी हो चुका है, गैस हम कर देते हैं बंद। गैस हमने बंद कर दी, अब इसको छानते हैं छन्नी से। गाइस देख सकते हो कलर कैसा हो गया, पूरा चाय से भी बदतर लग रहा है कलर। तो हमने इसी को खोपड़ी में लगाना है, खोपड़ी के बाल उगाने हैं। तो इसको ठंडा होने दो, थोड़ी देर तक कूड़ा फेंक देंगे, सारा रस होगा इसमें कौली में छान लेंगे। ओके देखते रहो वीडियो। भैया हमने ये सारा रस निकाल लिया, देखो गाइस कुछ इस टाइप का है। बता देना इसको यूज़ कैसे करना है। इसको यूज़ हमें रात को करना है, अगर दिन में लगाओगे तो यार प्याज की मुझे तो बास आती है जो बिल्कुल बेकार लगती है मुझे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको रात में लगा के आप सो जाना। एल्डर शोल्डर या फिर कोई अच्छी सी शैम्पू, डव शैम्पू से आप मॉर्निंग के टाइम बाल वॉश कर लेना। तो भाई देख सकते हो मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, यार मैंने इसको महीने भर यूज़ किया है तभी इतनी डिटेलिंग दिख रही बालों पे। देख सकते हो पूरे बाल मेरे यहाँ से पूरा गंजाई था, तो यार बाल पूरे मेरे अच्छी तरीके से आ गए हैं। तो यार आप भी एक बार ट्राई करके देखो यार, घरेलू नुस्खा है, ज़्यादा कुछ नहीं, 20 रुपये का खर्चा है। एलोवेरा तो यार आपके घर पे मिल ही जाता होगा। तो यार आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई तो यार कमेंट करके बताओ यार कैसी लगी वीडियो, एंड लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब के साइड वाला बेल आइकन प्रेस करो ताकि नई वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे। गाइस मैंने सोचा आपके लिए ये वीडियो बना दूँ जो कि बहुत अच्छे बाल हो गए, तो यार आपको भी बताना जरूरी है जिस जिसको हेयर की प्रॉब्लम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।